डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन स्टोरी ट्रांसलेशन करने में कुछ जो वाक्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें होते हैं नॉन फिनिट्स, जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो नॉन फिनिट्स क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं आपके इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव मैं इससे प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा चुकी हूँ, अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रीवियस वीडियोज पढ़कर कॉपीज में लिख लें। और इनको नॉन फिनिट्स को जो क्रियाएं होती हैं इनको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो आज पढ़ रहे हैं जीरेंड। तो कैसे बनती है? क्रिया के मूल रूप में आईएनजी लगाने से जीरेंड बनता है, और जीरेंड किसी वाक्य में नाउन के रूप में कार्य करता है। जब हिंदी में अनुवाद करने पर इसके अंत में नानी ने आदि शब्द आ जाते हैं। इन एग्जाम्पल्स को कॉपीज में नोट भी करते चलें। सोना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो सोना यहाँ पे जीरेंड कल फॉर्म में आया है। तो स्लीप में जब मैंने आईएनजी लगाई तो ये हमारा नाउन बन गया, स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। अब ये यहाँ पर वर्ब नहीं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ये है। मुझे दिन में सोना पसंद नहीं है, ये नेगेटिव वाक्य है, लेकिन इसमें स्लीपिंग वर्ड जो आया है ये ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब है, ये लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। स्लीपिंग अपने आप में क्या बन गया यहाँ पर? नाउन। तो आई डू नॉट लाइक स्लीपिंग इन द डे। नेक्स्ट वाक्य पढ़ लें, वह कक्षा में सोता दिखाई देता है। तो आवश्यक नहीं है कि ना ना शब्द ही अंत में आए, कभी कभी इस प्रकार के वाक्य भी आपको मिल सकते हैं। तो देखें इस पर ट्रांसलेशन करना, ही सीम्स स्लीपिंग इन द क्लास। तो इसमें मेन वर्ब है आपकी सीम्स, और स्लीपिंग इसमें आपकी जीरेंडिकल वर्ब है, और ये नाउन के रूप में इसमें कार्य कर रही है। तो ये क्या कर रही है? ये कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, ये एक वर्ब को कॉम्प्लीमेंट दे रही है। स्लीपिंग जो आपका जीरेंड है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। क्या तुमने उसके हिरन मारने के विषय में सुना? तो बिल्कुल देखें, डिड यू हियर ऑफ हिज हैविंग किल्ड। तो इसमें जीरेंड जो आया है वो परफेक्ट फॉर्म में आया, हैविंग और किल्ड थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है मेन वर्ब की, लेकिन यहाँ आईएनजी लगी हुई है, जिसे परफेक्ट फॉर्म में ये जीरेंड यहाँ आया है। उसे कक्षा में सोने के कारण सजा मिली, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ही वॉज पनिस्ड फॉर स्लीपिंग इन द क्लास। तो ये जीरेंड जो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट रूप में इस जीरेंड का प्रयोग हुआ है। तो इसको भी आपने कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट बात है, वह अंग्रेजी पढ़ाने में दक्ष है। तो ये आपकी जीरेंड है विद एन ऑब्जेक्ट आया है, कैसे? ही इज गुड एट टीचिंग, और टीचिंग का ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो ये इस प्रकार से आपकी जीरेंड को मैंने एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स, किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेशन करने के लिए इन सभी प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन जानना अत्यंत आवश्यक है, और आप बड़ा सुविधाजनक तरह से आप ये अपने स्टोरी ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे के पार्ट पढ़ते रहें। ओके, गुड बाय।